अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी रूटीन से हट के लग रही है, अभी मैं स्कूल हूँ, छुट्टी का टाइम हुआ है और स्कूल बिल्कुल खाली, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा स्कूल का विज़िट करा दूँ। ये सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो टीचर्स और पूरा स्टाफ बच्चे मिलकर जो है ना, उन्होंने स्कूल की सजावट की थी, उनके डोर्स अभी सजाए थे और फिर तो लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो रूम्स अभी तक इतने उनकी डेकोरेशन नहीं हुई है, लेकिन जो डोर सजे हुए हैं, मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे जो डेकोरेशन हुई है ये शेयर करूं, क्योंकि ये तालीम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं। अभी जो चीज़ नज़र आ रही है, मेरा ऑफिस है, तो मैं वन बाई वन कोशिश करती हूँ आपको दिखाऊँ। ये हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म इधर डिस्प्ले हुआ है, साथ ये प्रिंटर और कंप्यूटर वगैरह। ऑफिस का डोर है, मैं आपको उसका विज़िट कराती हूँ। ये चीज़ है, एजुकेशन इज़ पावर, एजुकेशन इज़ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, एजुकेशन इज़ अ जर्नी नॉट अ रेस, और नीचे है एजुकेशन इज़ द टिकट ऑफ सक्सेस, और साथ ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में वेलकम लिखा हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा इसका फुल व्यू करवाती हूँ। ये है मेरा ऑफिस का डोर और ये कैबिन है, मतलब समझ लें कि वेटिंग रूम्स आए, ये चीज़ इसको हमने इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। इसका फुल व्यू ये आप देख लें। इधर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, अंदर बेल लगी हुई है, तो स्कूल में तो बिल्कुल इंटर होने की जो है ना परमिशन ही नहीं है। एक डे रखा जाता है पीटीएम का, तो ये जो है थोड़ा सा इधर डेकोरेशन की हुई है एंट्रेंस में, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। एजुकेशन इज़ अ गिफ्ट डेट नॉन कैन टेक अवे, हकीकतन तालीम एक ऐसा तोहफा है जो कोई आपसे ले नहीं सकता। केबन की दूसरी जानिब ये लिखा हुआ है, एडवेंचर, लर्निंग, इमेजन, एक्सप्लोर, डिस्कवर, नीचे ग्रो और सोर। ये एक ट्री बना हुआ है और इस तरीके से एक जिसे कहते हैं रोड पे साइन बना हुआ होता है। ये रिसेप्शन है या स्टाफ रूम समझ लें, तो रिसेप्शनिस्ट होती है, फीस का सारा हिसाब जिसके पास होता है, और ये ऊपर जो है थोड़ा सा पोर्शन था तो हमने इसको इस तरीके से कवर किया था। ये वेलकम लिखा हुआ है और W फॉर वैन यू और E फॉर इंटर दिस, L फॉर लविंग स्कूल, C फॉर कंसिडर यूर सेल्फ, O फॉर वन ऑफ द स्पेशल और M फॉर मेंबर ऑफ एन और E फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली। ये वेलकम से जो चीज़ बनती है कि W स्टैंड फॉर वैन, E स्टैंड फॉर इंटर, L स्टैंड फॉर लविंग, C स्टैंड फॉर कंसिडर, O स्टैंड फॉर वन, M स्टैंड फॉर मेंबर और E स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा। ये बैलून्स लगी हुई हैं और ये रिबन इस तरीके से सामने लगा कर, इधर ये फ्लावर लगाया था लेकिन ये अभी उतर गया है, तो ये इसको फिर हमने लगाना है। ये मिड में ये फ्लावर था और इस तरीके से आए थे। ऑफिस के बिल्कुल सामने ये 7th क्लास का रूम है। अभी बाहर गाड़ियाँ जा रही हैं, छुट्टी का टाइम है, थोड़ा पता नहीं आवाज़ आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो। ये ऊपर लगा हुआ है वेलकम और नीचे है व्हेन वी एंटर इन दिस क्लासरूम। क्लासरूम को इस तरीके से किया गया है। आगे वी आर क्रिएटर, वी आर केयर, वी आर एक्सप्लोरर, वी आर लव्ड, We are reason, we are author, we are scientist. Next day we are leader and in the last we are here. इसका मैं व्यू आपको फुल करवाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो सबसे जो प्यारा इवेंट होता है मुझे तो ये डेकोरेशन का लगता है, पूरा एक वीक या डेढ़ वीक लग जाता है और बच्चों का जोश और खरोश देखने के काबिल होता है। ये रिसेप्शन है,
इसमें टीचर्स ब्रेक टाइम बैठती हैं, कॉपीज़ और डायरीज़ वगैरह धरवाती हैं, जो रिसेप्शनिस्ट चेक करती है। ये आपको ऊपर दीवार पे जो लगा हुआ है, ये बच्चों की समर वेकेशन की जो फाइल्स थी उन्होंने डेकोरेट की थी, तो उनको हमने इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया था। ये कुछ चार्ट्स हैं, वो भी इस तरह एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अब मैं तो अगर पढ़ूंगी भी तो आपको सुनाई तो देगा लेकिन नज़र सही नहीं आएगा। ये तरह 3 क्लॉक्स बने हुए हैं और इनकी टाइमिंग सेट हुई है, पहले में असम्बली की, नेक्स्ट क्लॉक में ब्रेक की और उससे नीचे होम की। हर ऑफिस हर रिसेप्शन की तरह इधर नोटिस बोर्ड भी है जिसमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले हुआ होता है। तो सेलिब्रेशन डे, असूलो जवाबे, कवायद व जवाबे, हैप्पी टीचर का इधर लगा हुआ है। और अंदर की साइड में हमने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया, जैसे बाहर की साइड है तो अंदर से भी इधर टी फॉर टर्फिक, और इस तरह सारा जो है ये टीचर से बना हुआ है कि टी स्टैंड फॉर और सी स्टैंड फॉर, इस तरीके से ये सारा कुछ टीचर के हवाले से है। बहुत प्यारा लगता है। और ये हमने बनाया था कि साल का जो मतलब एंड होगा उसमें जो बच्चा जिस मैदान में, मतलब अगर रीडिंग में वो अच्छा जा रहा है, जब उसके मंथली टेस्ट अच्छे हो रहे हैं, तो उसकी पिक्चर इधर लगाई जाएगी, तो उसको स्टार ऑफ द ईयर करार दिया जाएगा। ये इस तरीके से स्टार ऑफ द ईयर इसमें बच्चों की, जिस इस बच्चे ने जिस जो है ना वो ग्राउंड में जिस लेवल में उन्होंने जो है ना कामयाबी हासिल की। होता है ना कोई बच्चा जो है वो स्पीच अच्छी कर लेते हैं, कोई नात में, किसी की रीडिंग अच्छी होती है, कोई मंथली टेस्ट उसने अच्छे दिए होते, कोई रेगुलर होता है, बेचारे वो इधर मेंशन किए जाएंगे। तो ये फुल रिसेप्शन का व्यू चेक करें। इधर से बाहर निकलें तो ये इसका डोर है। ये थोड़ा सिंपल सा किया था क्योंकि ये लकड़ी का नहीं बना हुआ था, तो इसके ऊपर शीटों को चढ़ाना बहुत मुश्किल था। इसके अंदर जो राइटिंग हुई है, डू व्हाट इज़ राइट, नॉट डू व्हाट इज़ इजी। नेक्स्ट है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। एंड द लास्ट, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। बाहर एक नोटिस बोर्ड है, ये कंपटीशन वगैरह होते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है, तो बच्चों ने जो है ना ये गन बना दिया था इसमें, तो अभी तक इसको साफ नहीं किया। ये जो रूम है ये प्ले ग्रुप का है, इसका दूसरा जो डोर है वो मैं अभी चेक करवाती हूँ, वो रिसेप्शन पे है। वी आर इन फुल ब्लूम, नीचे जो है वो कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं और ऊपर इनको पानी देने के लिए इस तरह का एक फुहारा और ऊपर जो है सन बनाया गया है। ये कुछ पेनाफ्लेक्स हैं, ये इसको जो है ना हमने इधर डिस्प्ले कर दिया है ताकि स्कूल थोड़ा भरा भरा लगे। इस ये बोर्ड छोटे छोटे हमने लगाए हुए हैं लेकिन इसके ऊपर जो है वो शीट नहीं चढ़ी हुई थी टाइलिक, इसलिए ये थोड़ा डिसकलर हो गया है। इसके ऊपर भी कुछ वर्डिंग एजुकेशन से रिलेटेड लिखी हुई है। प्ले ग्रुप का एक ये जो है वो डोर था और एक रिसेप्शन के अंदर, वो बहुत प्यारा था। ये मैं नहीं दिखा सकी हूँ, ये बहुत प्यारा बना हुआ है, हनी बीज बनी हुई हैं, सात सन है और नीचे इस तरह का गार्डन का एक व्यू दिया गया है। इसका व्यू पूरा चेक करें, ये आगे चलते हैं। ये हमारे स्कूल का लॉन है, झूले वगैरह लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। ये लॉन है, हाउस चार्ट के लिए एक जो है ये डिस्प्ले किया गया है। एक हाउस को जो है हमने ब्लू कलर दिया था, तारिक बिन ज़ियाद हाउस, रेड कलर में सलाउद्दीन अयूबी हाउस, और येलो में आ गया था मोहम्मद बिन कासिम हाउस,
और ग्रीन में आ गया था खालिद बिन वलीद हाउस। इसके अंदर हमने बच्चों के नाम लिखने थे, लेकिन वही बात है कि फिर टाइम नहीं मिला था और लॉकडाउन स्टार्ट था, तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, अभी तो पेपर स्टार्ट हमने किए हैं और मुझे नहीं लगता है सब कोई कंपटीशन हम करवा सकें। ये ऊपर पेनाफ्लेक्स का चार्ट है, एक ये रूम है। थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, ऊपर सिंपल इस तरीके से लिखा गया। सारे टीचर्स की मेहनत थी, कुछ आइडियाज़ मेरे थे, मेहनत टीचर्स की थी, क्योंकि स्कूल जो है वो टीम वर्क होता है। ये एक बरामदे में दो अलमारियाँ इस तरीके से हमने थोड़ा इनको रेडी किया था, लेकिन 6 माह स्कूल बंद रहा है, हवा से ये सारा इसके जो है ना उतर गए, इनको भी ठीक करना है। ये पेनाफ्लेक्स का बोर्ड एक और लगा हुआ है। नेक्स्ट ये आ गया रूम 1 क्लास का, इसमें ऊपर जो है ना आयात लिखी हुई है और वेलकम लिखकर नीचे स्टार बने हुए हैं। और ये इसमें कितना टाइम स्कूल बंद रहे हैं, अभी भी बिल्कुल, जब हम आए थे ऐसे लग रहा था कि जैसे स्कूल तो है ही नहीं ना, बिल्कुल वीरानी की और हर तरफ गर्द ही गर्द। और ये इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा हमने शुरू किया था, तो फिर ये हाउसेस की स्लैशेस थी, तनिया आपको नज़र आ रहा हो। ये हर हाउस की अपनी अलग स्लैश थी, जब कंपटीशन होते थे तो फिर हम इनको दिखाते थे। आगे पेनाफ्लेक्स का एक और बोर्ड लगा हुआ है। 7 क्लास का रूम आ गया, इसमें आ गया राइटर्स, थिंकर, रीडर्स, रिस्क टेकर, एक्सप्लोरर्स, टीम मैटर, साइंटिस्ट। इसका फुल व्यू आपको करवाती हूँ। ये नेक्स्ट जो बोर्ड था, हमने इसको सीज़न के लिए मुकर्रर किया था, जैसे कि अभी सीज़न चल रहा है आटम, तो ऊपर लिखा हुआ है हेलो आटम, और साथ इस तरीके से लीफ जो है वो गिरते हुए डिस्प्ले किए गए हैं। नर्सरी क्लास का रूम चेक करें, सन बना हुआ है, साथ क्लाउड्स हैं और ऊपर जो है वो इस तरीके से बनाए गए हैं, बैलून्स हैं, और नीचे बच्चों के जो है ना वो हैंड्स, आप उनका उन्होंने जो की हुई होते हैं हैंड्स आप की होते हैं, कुछ बटरफ्लाइज हैं और इनके ऊपर कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं बैलून्स के ऊपर, जैसे कि पोलाइटनेस, काइंडनेस, लव, क्लीन एंड नीट, ऑनेस्टी, मैनर्स, हैप्पीनेस, यानी कि अच्छी जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, आगे इन बटरफ्लाइज पे कुछ लिखा हुआ है, व्हेन वी ग्रो आल लर्न वी, ये पता नहीं है बकाया किधर है। अच्छा, व्हेन वी आल लर्न वी ग्रो, इस तरीके से है, व्हेन वी आल लर्न वी ग्रो, जब हम सब मिलके पढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक ये भी था, इसकी बुरी हालत होगी, हमने इसको अब रिन्यू कराना है। इसके हमने ब्लैक जो है वो नीचे इसका बनाया था, जैसे कहते हैं बैकग्राउंड ब्लैक बनाकर ऊपर मल्टी बटरफ्लाई हमने लगाई थी, और ऊपर लिखा था योर विंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑल यू हैव टू डू इज फ्लाई, इस तरीके से। और ये 5th क्लास का रूम है। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, और इस तरीके से ये समंदर का जो है मंजर पेश किया गया है। ये साल का स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन वही बात है किस्मत में ये लिखा हुआ था। अब स्कूल को अपनी जगह पे लाते लाते अच्छा खासा टाइम लगेगा। इस क्लास रूम का तो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, मैंने इधर जो है वो राउंड लिया था। ये रूम में मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, और आज तो स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे भी खुश थे, आपको पता है मौसम अच्छा हो तो दिल भी खुश होता है। तो प्ले ग्रुप का मैं अंदर से रूम आपको नहीं दिखा सकी, वो हमने सबसे ज़्यादा उसको जो है डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी डेकोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। ये चीज़, ये प्ले ग्रुप के हवाले से रिलेटेड इधर सारी जो है वो टॉयज और ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं।
इस तरीके से। वाइट बोर्ड पड़ा हुआ है और ये इनके टॉयज पड़े हुए हैं, क्योंकि प्ले ग्रुप ने आज आना नहीं था तो ये फर्नीचर वगैरह भी इधर इकट्ठा होकर पड़ा हुआ है। अलग 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 शुक्र है, स्कूल दोबारा ओपन हुई है। अच्छी अच्छी मसरूफियत होती है, इंसान जो है वो अपने आप में मसरूफ़ रहता है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए तो बहुत मुसीबत है जो बिल्कुल फ़ारग नहीं रह सकते, और मैं बिल्कुल फ़ारग नहीं रह सकती थी। शुक्र किया ऐसा ऐसा जो कमी है स्कूल में, क्योंकि 6 माह बाद जब स्कूल खुलते हैं तो आपको पता है वो इमारत जो है खंडर बनने के नज़दीक होती है। बहुत सा काम भी हमने करवाया, मैंने अपने दूसरे चैनल में ये व्लॉग बनाया था, मैं विज़िट करने आई थी छुट्टियों में तो इधर हमारी चोरी हो गई थी, तो फिर हमने ये सारा जो है ये तामीराती काम करवाए हैं। आपको दीवार अलग से नज़र आ रही है जो हमने ऊपर करवाई हैं, साथ कांच लगाए हैं। तो अगर आपने वो चोरी की वीडियो देखनी है, क्योंकि वो लाइव थी, मैं तो सिर्फ विज़िट कराने आई थी तो आगे चोरी हुई हुई थी, तो आमनाज बैर व्लॉग में जाकर आप वो वीडियो भी चेक कीजिएगा कि चोर ने जो है ना ये चोरी की थी या कुछ और काम किया था। तो बहुत उसने जो है इधर गन बनाया था, स्कूल की हालत देखने के काबिल नहीं थी। तो आई होप आपको ये जो हट के थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है ये आपको पसंद आई होगी। मैंने कहा ये हर दफ़ा वही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा सा हट के मैं आपको स्कूल का विज़िट कराऊं, और इंशाल्लाह साथ साथ विज़िट कराऊंगी जो मैं राउंड लेती हूँ बच्चों की रीडिंग किस तरीके से है, क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, किस तरीके से पढ़ाना होता है, वो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। ये हमारे कंपटीशन चलते थे, जब चलते थे तो हर हाउस के टेबल पे ये चीज़ रखी जाती थी, सलाउद्दीन अयूबी हाउस, खालिद बिन वलीद हाउस और मोहम्मद बिन कासिम हाउस। तो ये साल तो ऐसा है 6 मंथ इस तरह ज़ाया हो गए, अब जो टाइम रहता है उसमें बच्चों की जो एजुकेशन के हवाले से कमी वही पूरी कर सकें। कंपटीशन मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा हो सकें, इन पिछले साल हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। एक दो कंपटीशन मैंने जो स्कूल में हेल्ड करवाए थे वो उसकी वीडियो मैंने शेयर की थी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपके सेल पर नोटिफिकेशन की बेल बजे। मिलते हैं किसी नए